इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और महान सेना, जहां का हर एक जवान देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखता है। हर एक हिंदुस्तानी के मन में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी तरह से इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके देश की और मातृभूमि की सेवा कर सकूं और इस शानदार रिस्पेक्टफुल करियर को अपना सकूं। इसी ख्वाहिश का रिजल्ट है कि हर साल लगभग 30 से 35 लाख कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए अलग अलग एंट्री रूट से अप्लाई करते हैं। The best part of the enrollment in Indian Army is that it does not support any kind of reservation system and open for male and female candidates. एक soldier से लेकर एक lieutenant तक की enrollment के Indian Army में entry करने के लगभग 11 entry schemes हैं and most of the applicant generally get confused to follow a suitable entry scheme. So this video will clear all the doubts just in next 5 minutes. इस video में सबसे पहले आप technical and non-technical आर्मी ऑफिसर या फिर लेफ्टिनेंट बनने की 7 स्कीम समझेंगे और उसके बाद जनरल या टेक्निकल सोल्जर या फिर अग्निवीर बनने की 4 स्कीम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंट्री स्कीम। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर एंड क्वालिफाई सीडीएस एग्जाम दैट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी ट्वाइस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अक्टूबर। द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई दिस एग्जाम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम किसी भी स्ट्रीम से की हुई एक ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी एज 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। यू शुड बी अनमैरिड एंड गुड थिंग इज दैट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। आफ्टर क्वालिफाई द सीडीएक्स एग्जाम यू हैव टू अपीयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। आफ्टर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू यू हैव टू गो थ्रू द फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट। यस, अगर आप ये दोनों टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका नाम फाइनल लिस्ट पे आ सकता है। सीडीएस के थ्रू दोनों टर्म में लगभग 170 कैंडिडेट का चयन लेफ्टिनेंट रैंक के लिए होता है। आफ्टर द सिलेक्शन फ्रॉम द मेरिट लिस्ट यू हैव टू गो फॉर 2 ईयर्स ट्रेनिंग। मेल कैंडिडेट्स गो फॉर ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, वेयर एज फीमेल कैंडिडेट गो फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई फॉर द ट्रेनिंग। इस 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप इंडियन आर्मी को टेम्पररी कमीशन ऑफिसर्स पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड एंट्री स्कीम दैट इज टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री स्कीम, जिसे TGC भी कहते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले इस रिक्रूटमेंट को साल में 2 बार मार्च अप्रैल सेप्टेम्बर अक्टूबर में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हर सेशन में 60 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। इस एंट्री स्कीम में किसी भी तरह का एग्जाम नहीं देना होता। यस, यू जस्ट नीड टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर द एसएसबी थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी। द वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई दिस एंट्री स्कीम इज दैट यू मस्ट पोजेस एन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम। यू शुड बी अनमैरिड और आपकी एज 20 से 27 साल के बीच ही होनी चाहिए। अप्लाई करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना होगा। Then you will have to complete 1 year training in IMA Dehradun, and after successful training, you will be permanently commissioned in the Indian Army as an officer. अब बात करते हैं third scheme की, that is Short Service Commission Technical Entry Scheme. It is a direct entry scheme जिसे SSC भी कहा जाता है। Indian Army द्वारा conduct किए जाने वाले इस recruitment को साल में 2 बार जून जुलाई और दिसंबर जनवरी में conduct किया जाता है, जिसमें हर बार 100 मेल और 20 फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। नो रिटन एग्जाम इज देयर, यू जस्ट नीड टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर एसएसपी थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी। द ऑफिशियल वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई दिस एंट्री स्कीम इज दैट यू मस्ट पोजेस एन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम। यस, यू शुड बी अनमैरिड एंड आपकी एज 20 से 27 साल के बीच ही होनी चाहिए। अप्लाई करने के बाद आपको एसएसपी इंटरव्यू क्लियर करना होगा। Then you will have to complete 49-week training at OTA Chennai, and after successful training, you will be temporary commissioned in the Indian Army as an officer. The link for the official notification for 2023 recruitment is given in the description section. Now the next one, Short Service Commission Non-Technical. This is also a directly entry scheme. UPSC द्वारा conduct किए जाने वाले इस recruitment को साल में 2 बार जुलाई और नवंबर में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हर बार 175 मेल और 12 फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। एंड गुड थिंग इज दैट नो रिटन एग्जाम इज देयर, यू जस्ट नीड टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर एसएसबी थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएससी। द ऑफिशियल वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन।
The eligibility to apply this entry scheme is that you must possess a graduation degree from any stream. You should be unmarried और आपकी एज 19 से 25 साल के बीच ही होनी चाहिए. अप्लाई करने के बाद आपको SSB इंटरव्यू क्लियर करना होगा. Then you will have to complete 49 weeks training at OTA Chennai. And after successful training, you will be temporary commissioned in the Indian Army as an officer. अब बात करते हैं fifth entry scheme की. That is Indian Military Academy Direct Entry. This entry scheme is also non-technical and is almost similar to SSC non-tech entry. The only difference is the number of seat, that is 200 per session for male candidate only. And the age limit is 19 years to 24 years, else everything is same as SSC non-tech entry. Now the sixth entry scheme, that is technical entry scheme. इस स्कीम में आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, बल्कि आपको सीधे सीधे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. द ऑफिशियल वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th क्लास के सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ इन तीनों सब्जेक्ट्स की PCM परसेंटेज कम से कम 60% होनी चाहिए, और आप JEE मेन्स के एग्ज़ाम में अपीयर भी होने चाहिए. इस एंट्री स्कीम की नोटिफिकेशन साल में दो बार, मई जून एंड अक्टूबर दिसंबर में ऑफिशियल वेबसाइट पर आती हैं. इसके अलावा अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 16 से 19 साल के बीच है, वो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. SSB इंटरव्यू आफ्टर एप्लीकेशन, देन फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, देन मेरिट लिस्ट. द मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन योर मार्क्स इन 12th क्लास, परफॉर्मेंस इन SSB इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट. इसके बाद इस स्कीम में ऑफर होने वाली 90 सीट्स पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, और आप 5 साल की ट्रेनिंग भी करनी होगी, इन विच 1 ईयर ट्रेनिंग एट OTA गया, 3 ईयर्स एट CME पुणे और MCTE मोह, MCME सिकंदराबाद, एंड लास्ट 1 ईयर एट CME पुणे और MCTE मोह और MCME सिकंदराबाद, एंड यू विल बी परमानेंटली कमीशन एज लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी. And now the seventh and the last entry scheme, that is National Defence Academy. UPSC द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले इस रिक्रूटमेंट को साल में दो बार जून और दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हर सेशन में लगभग 320 मेल और फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है. इस एंट्री स्कीम में सबसे पहले आपको UPSC द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम को पास करना होता है. यू कैन अप्लाई दिस एग्जाम थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ UPSC. द वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. To apply this exam, you must pass 12th class from any stream and your age should be between 16.5 years to 19.5 years. And only unmarried male and female candidates can apply this exam. If you qualify this exam, you have to qualify SSB, then physical test and medical test. If you qualify all these, then you will be featured in the merit list. Your merit list aapke written tests ke marks, SSB interview ki performance, मेडिकल टेस्ट पर बेस्ड होता है. अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन यू हैव टू गो फॉर 4 ईयर्स ट्रेनिंग, फर्स्ट 3 ईयर्स इन पुणे एंड लास्ट 1 ईयर इन IIMA देहरादून, एंड यू विल बी कमीशन परमानेंटली इन द इंडियन आर्मी एज लेफ्टिनेंट. सो दीज वर ऑल 7 स्कीम्स टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर और लेफ्टिनेंट इन टू द इंडियन आर्मी. नाउ लेट डिस्कस अबाउट द अग्निवीर और सोल्जर एंट्री इन द इंडियन आर्मी. फ्रेंड्स, इस स्कीम को समझने के लिए, इस एंट्री को समझने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है. इस वीडियो में आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी से लेकर अग्निवीर ट्रेड्समैन तक की चारों एंट्री स्कीम्स को बड़े आराम से समझ पाएंगे. द लिंक ऑफ द वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. आई होप दैट दिस वीडियो हैज हेल्प यू टू गेट रिड फ्रॉम द कन्फ्यूजन टू गेट द एंट्री इन टू द इंडियन आर्मी. इफ यू स्टिल हैव मोर डाउट्स और क्वेरी, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो और यू कैन डायरेक्टली रीच मी एट माई इंस्टा प्रोफाइल. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड like the video and subscribe the channel for more such videos. So this is Mohit Bansal signing out. Jai Hind, Jai Bharat.